हेलो वेलकम टू में एक छोटा सा देखेंगे सिविल अप्रैल है, है अभी देखो जो भी कोविड नाइन्टीन के, के में सिविल सर्वेंट्स जो है वो अहम भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि ये मेनली इसमें सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहे हैं वो जो सिविल सर्विस में है वो उनका सबसे अहम भूमिका है तो ये जो है कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं जो हम सोचते हैं कि सिविल आ, सर्वेंट जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएस या फिर एसडीएम, डीएम यही नहीं है वो सब के सब जो सिविलियन जॉब में ये करते हैं तो उसको उसमें है। तो देखो ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था

इस समय वर्क कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में हैं तो उनका समाज के प्रति बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस समय जो भी कुछ चल रहा है राउंड द क्लॉक कुछ लोग ये हैं पुलिस वाले से लेकर के डॉक्टर्स और जितने भी हैं आ, ये गांव में एडमिनिस्ट्रेशन में है या शहर एरिया में म्यूनिस्पालिटी वाले हैं वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट अप्रैल ट्वेंटी एवरी ईयर एज सिविल सर्विसेज डे एज ऑन एज

ईयर हर डे इनफैक्ट सिविल सर्वेंट के लाइफ में खास करके जो ऊपर के पोजीशन में है तो उनके लिए हर मोमेंट्स जो होता है वो चैलेंजिंग होता है और उस चीज को डील करना उसके लिए उसमें सर्विस में एक्सेलेंट ये करना अभी देखो सबके एफर्ट्स के कारण ही बहुत सारी चीजें हम कंटेंट कर, में कर पा रहे हैं इसमें सिविल सर्वेंट का अहम योगदान है ठीक है तो दिस डेट इज चूजेन टू

Uh, was held in Vigyan Bhavan, New Delhi, on 21st April 2006. From then, every year 21st April is celebrated as Civil Services Day. So 2006 start हुआ ये सरदार बल्लभ भाई पटेल जब फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इनफैक्ट देखो ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी है जैसे आई ए एस तब आईसीएस हुआ करता था तो आईसीएस और आई एस को समाप्त करना चाहते थे लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि जो देश है वो इसको चलाने में ये अहम भूमिका अदा करेंगे तो इनिशियल टाइम में क्या जो आईसीएस ऑफिसर थे वो टॉप पोजिशन पे रहे धीरे धीरे आई सी एस ऑफिसर का स्थान आई ए एस ने ले लिया फिर आई पी एस हुए और फिर एक ऑल इंडिया सर्विसेज तो आपके पास थ्री टाइप के सेंट्रल लेवल में सर्विसेज

तो सिविल सर्विसेज का डेफिनेशन जो है सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट इज अ पर्सन इन द पब्लिक सेक्टर इंप्लॉयड फॉर ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी गोइंग बाय दिस डेफिनेशन एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग मिलिट्री ज्यूडिशियल सर्विसेज इंप्लॉयड इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज अ सिविल सर्वेंट इट इंक्लूड्स एवरीवन फ्रॉम प्यून टू कैबिनेट सेक्रेटरी तो देखो सिर्फ मिलिट्री को मिलिट्री का अलग है और जुडिशियल सर्विस तो ये जो मिलिट्री और जुडिशियल में जो है उनको छोड़ दिया जाए तो जो भी सिविल में लगे हुए हैं वो सारे के सारे सिविल सर्वेंट कहे जाते हैं तो एक प्यून भी जो है वो भी सिविल सर्वेंट है और कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो सिविल सर्विसेस बोर्ड के हेड भी है और सबसे बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो भारत सरकार के वो कैबिनेट सेक्रेटरी कहे जाते हैं तो ये जस्ट मैं इस पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाहूंगा कुछ आप स्टडी कर लो और एक मैंने आर्टिकल लिखा है तु, तु पहले लिखा बट स्टिल उस आर्टिकल का सेम रिलेवेंस आज भी है इस चीज को समझने के लिए अब देखो आज के डेट में जो होगा तो वो आपका आएगा पैंडेमिक्स जो कोरोना पैंडेमिक्स है कोविड नाइनटीन है तो कोविड नाइन्टीन से संबंधित आपको आएगा तो आप बेस उसमें देखोगे इयर्स पहले हमने लिखा था उस चीज तो वो उसका कोई नहीं है लेकिन यही तो है है कि आपको बेस जानना है, उसके बाद चीजेंट कंटेक्स में उसको करके यूज करना है तो आ, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको पढ़ेंगे कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होगा तो आप अराइज करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो